अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 3 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो होम टैब है उसमें पैराग्राफ ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था किस तरह से आपने ओपन करना है। अब यहाँ पर हम जिस ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं वो है पैराग्राफ ग्रुप। ये है पैराग्राफ ग्रुप, इस ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे आज कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस रखे गए हैं। सबसे पहले हम आते हैं अलाइनमेंट पे। ये जो पोर्शन है ये है अलाइनमेंट का, तो अलाइनमेंट को सीखते हैं कि असल में अलाइनमेंट है क्या। अब अलाइनमेंट दरअसल कहते हैं टेक्स्ट आपका कहाँ पर अपीयर हो, यानी कि पेज के किस कोने पर या किस साइड से लिखना स्टार्ट हो, इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास ये जो हेडिंग 1 है, अब ये दरअसल इस वक्त लेफ्ट साइड पर पड़ा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अगर राइट साइड पर हो, तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से इसको स्पेस दे देकर लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। आप यहां से इसको सेलेक्ट कर लें या उसी लाइन पर जाके जस्ट क्लिक करें और यहां से इसको अलाइन राइट कर दें। तो जैसे आप अलाइन राइट करेंगे तो ये राइट साइड पर चला जाएगा। अब जैसे कि यहां पर ये हेडिंग 2 ये लेफ्ट साइड पर पड़ा हुआ है, अब इसको राइट पर भी नहीं लेके जा रहे, ना ही लेफ्ट पर ना ही राइट पर, तो हम इसको सेंटर पर रखना चाह रहे हैं। तो यहां पर सेंटर अलाइन का एक ऑप्शन है, तो सेंटर पर आप इसको रखें तो ये आप यहां पर रख सकते हैं। और ये रहा इसका लेफ्ट। ऑफिशियली अलाइनमेंट जो यूज़ किया जाता है वो है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई में क्या होता है, अब यहाँ पर देखें, ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं इस पैराग्राफ के इस साइड को अगर आप देखेंगे ये बराबर है, यानी कि जहाँ से ये लाइन स्टार्ट है तो सेकंड लाइन भी वहीं से स्टार्ट है, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन इस साइड पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये लाइन इधर ख़त्म है और ये इससे पहले ही यहाँ पर ख़त्म है। तो इसी तरह से इसको अगर बराबर करना है आपने, तो आप अलाइनमेंट जस्टिफाई इस्तेमाल करेंगे। ये याद रहे कि जब आप जस्टिफाई इस्तेमाल करेंगे, जस्टिफाई में आपका टेक्स्ट स्टार्ट लेफ्ट साइड से होगा और अगर पैराग्राफ्स उसमें हैं इंक्लूडेड तो पैराग्राफ के दोनों साइड बिल्कुल ही बराबर होंगे। अब जैसे कि मैं इन पैराग्राफ और इस हेडिंग को भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं जस्टिफाई पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें, अब ये हेडिंग यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आ गया और इस साइड को देखें ये यहाँ पर बराबर हो चुका है। अब इसी तरह से अगर आप इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाहें तो आप इस पर जस्टिफाई अप्लाई करेंगे तो इनके दोनों तरफ बिल्कुल ही बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से आपके पास जितने भी पैराग्राफ्स हैं कोशिश किया करें कि जस्टिफाई इस्तेमाल किया करें। तो ये इस तरह से आप इनको अलाइनमेंट इन पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे जाते हैं, लाइन स्पेसिंग। अब यहाँ पर देखें मेरे पास जितने भी लाइन्स हैं इनके अंदर कितना स्पेस है, तो अगर आप इनके स्पेस को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इस ऑप्शन पर आएंगे, ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये 1.0, देन अगर 1.5 करेंगे, 1.15 करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 1.5, देन 2, देन 2.5, इस तरह से जितना इनको बढ़ाते जाएंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से आप ये लाइन स्पेसिंग भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस लगाना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ से पहले और ये पैराग्राफ के बाद, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया लाइन स्पेसिंग, अब हम आते हैं शेडिंग पे कि शेडिंग है क्या। अब शेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। शेडिंग दरअसल टेक्स्ट के बैक साइड पर पूरे लाइन पर कोई बैकग्राउंड में कलर लगाने को शेडिंग कहते हैं। तो ये रहा इसका ऑप्शन, और यहाँ से आप आके कलर सेलेक्ट करेंगे, जो भी कलर आपको पसंद आए आप वो कलर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक होगा, ये तो ऑप्शन हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं फॉन्ट ग्रुप के अंदर, ये हाइलाइटर। अब हाइलाइटर और शेडिंग में ये फर्क है कि हाइलाइटर सिलेक्टेड एरिया को ही सिलेक्ट करता है और जो शेडिंग है वो पूरे लाइन को सिलेक्ट कर लेता है। तो इसी तरह से आप बाकी जितने आपके पास हेडिंग्स हैं उनके ऊपर आप शेड लगा सकते हैं और डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। शेडिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर सीवीज में भी किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन और उसके अलावा आप अपने एक्सपीरियंस बाकी चीज़ें शो करवाते हैं, तो उनके हेडिंग्स लगाने के लिए उनके बैकग्राउंड में आप एक कलर लगा देते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंट दिखाई दें। तो इसी तरह से ये शेडिंग्स आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर कलर्स अवेलेबल हैं, तो आप इन शेडिंग्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास शेडिंग्स, अब हम आते हैं बॉर्डर्स की तरफ कि बॉर्डर्स हैं क्या। बॉर्डर्स का मतलब ये होता है कि जो आपके पास टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के हर तरफ से या किसी एक तरफ से कोई एक लाइन लगा देना। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये हेडिंग को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये रहा बॉर्डर का ऑप्शन, तो बॉर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे से एक बॉर्डर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इस पे टॉप बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो टॉप से एक बॉर्डर आ जाएगा। चलें इसी पे हम बाकी भी बॉर्डर्स अप्लाई करके देखते हैं। और ये रहा इसका लेफ्ट,
और इसी तरह से ये इसका राइट बॉर्डर। अब देखें यहाँ से, यहाँ पर इसके नीचे कोई भी बॉर्डर नहीं लगा हुआ, तो आप यहाँ से इसको बॉटम बॉर्डर लगा दें। अब इस पर ऑल बॉर्डर्स लग गए। अब सवाल यह है कि कोई ऐसा ऑप्शन जिसकी मदद से एक ही दफ़ा में सारे के सारे बॉर्डर्स लगे हैं, तो जी हाँ बिल्कुल है। आप सबसे पहले हेडिंग या किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे, तो ऑल बॉर्डर्स में क्या होगा, वो पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे एरिया को बॉर्डर मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये हेडिंग है, अब इस हेडिंग को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको तीन टाइम्स इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करके जब मैं ऑल बॉर्डर्स इस पर अप्लाई करूँगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अब ये क्यों हो रहा है, एक चीज़ का ख्याल रखें कि जहाँ पर वंस इंटर होगा, एक दफ़ा जब इंटर होगा वहाँ पर बॉर्डर उसको बंद कर देगा, यानी कि उसके बीच में एक बॉर्डर आ जाएगा। जहाँ पर इंटर मिलेगा वहाँ पर एक बॉर्डर आ जाएगा, ये आपने ज़रूरी ख्याल रखना है। अब हम आते हैं एक और ऑप्शन पे, बुलेट्स पे। अब बुलेट्स क्या हैं, बुलेट्स को थोड़ा समझते हैं। बुलेट्स दरअसल इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर सीवीज़ में। आपने देखा होगा कि जहाँ पर हमारे पर्सनल बायोडाटा लिखा हुआ होता है और वहाँ जैसे कि नेम, फादर नेम, CNIC वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर वो छोटे छोटे एक डॉट बने हुए होते हैं, बुलेट्स बने हुए होते हैं या एरो बने हुए होते हैं, वो कैसे लगते हैं। अब ये हमारे पास सपोज़ करें CV का एक पार्ट है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये रहे मेरे पास बुलेट्स। अब इन बुलेट्स में से आपको जो भी पसंद है वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये सिंपल वाला एक बुलेट है जो कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये इस पर अप्लाई हो गया। उसी तरह हिसाब से अगर आप कोई और बुलेट अप्लाई करना चाहें तो आप इनमें से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी भी यहाँ पर बुलेट्स के ऑप्शन हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपने तरफ से कोई बनाना चाहें तो आप डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ पर बनाएंगे, या यहाँ से आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर के बाद आप वर्क ऑफलाइन पे जाएंगे। अब जैसे कि मैं अपने चैनल का लोगो यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ, तो लोगो में जाएंगे और ये रहे लोगोज़ के बाद आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि कहाँ पर आपका लोगो पड़ा हुआ है, तो ये रहा ये लोगो, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट होने के बाद अब ये यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर मैं ओके कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें कि इन सब पे वही लोगो अप्लाई हो चुका है। अब ये जो लोगो है मेरे पास बुलेट्स में आ चुका है ऑलरेडी, तो मैं कभी भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये रहे इनके बुलेट्स। बुलेट्स के बाद अगर हम सीक्वेंस में किसी चीज़ को रखना चाहें तो नंबरिंग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के, ये मेरे अपने ही स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स के जो है मैंने नाम यहाँ पर लिखे हैं, तो इनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये नंबरिंग फॉर्म में हो, तो नंबरिंग फॉर्म में लेके आने के लिए यहाँ से आप नंबर अप्लाई कर देंगे। देखें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, अदरवाइज यहाँ पर आपको नंबर्स लिखने पड़ते हैं। और उसके अलावा अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको रखने, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अभी इनको रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इनको ABC के फॉर्मेट में रखना चाह रहा हूँ, तो ये भी यहाँ पर रख सकता हूँ यहाँ पर। और उसके अलावा कैपिटल में या रोमन में जो भी आप अप्लाई करना चाहें यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल एक दूसरे से करीब करीब हैं, तो क्या इनको दूर किया जा सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल, इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इनके बीच में लाइन स्पेस लगा दें, तो लाइन स्पेस जो आप लगाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो चलें, ये हो गए हमारे पास बुलेट्स, नंबर्स, और अब हम आते हैं इंडेंट पर। अब इंडेंट क्या है, हमारे पास जो पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स को कभी हमें थोड़ा सा साइड पे मूव करना होता है, तब हम परेशान होते हैं कि इसको कैसे रिमूव करें, तो हम इनको स्पेस दे देकर वन बाय वन इस तरह से हम इनको आगे लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आप इनको सेलेक्ट करें और यहाँ से ये देखें, यहाँ पर डिक्रीज इंटेंट और यहाँ पर इंक्रीज भी आप क्लिक करते जाएंगे तो ये बिल्कुल ही चिपकता जाएगा, यानी कि एक साइड पर पूरा आपका टेक्स्ट हो जाएगा। ये याद रहे कि ये लाइन स्पेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट को जब मैनेज करेगा तो नेक्स्ट लाइन पर इनको लेके जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर लाइन आपके बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप इनको वापस सेम शेप में लेना चाहें तो आप यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे इंडेंट को, तो इंडेंट डिक्रीज़ यहाँ पर करेंगे तो ये अपने वापस अपनी शेप में आ जाएगा। तो ये रहा इंडेंट, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करना। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, इस पे आते हैं, सॉर्ट का ऑप्शन। सॉर्ट का वर्ड के अंदर सॉर्ट का ऑप्शन ये है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर अब हमारे पास ये ए यहाँ पर है, ये बी है और ये सी है। अब आपको बाज़ार ये लग रहा है कि ये सॉर्ट फॉर्म में नहीं है, यानी कि सीक्वेंस में नहीं रखे हुए, तो आप इनको सेलेक्ट करें और सीक्वेंस में रखने हैं, तो यहाँ पर आप सॉर्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि टेक्स्ट है या कोई नंबर्स हैं, तो आपको और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर जस्ट आप इसको ओके कर दें। तो ये देखें, अब ये
ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे इसमें आ गए। अब ये कैप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, इनको आप सिलेक्ट करें, इनको आप सॉर्ट करें, ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप नंबर्स को सिलेक्ट करें, नंबर्स को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर इस पर आप सॉर्ट अप्लाई कर दें, तो ये देखें ये यहाँ पर इसको नंबर बता रहा है कि ये इसका टाइप जो है ये नंबर है, तो इनको आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये सॉर्ट का भी ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त अपने रिसर्च का काम कर रहे हैं। तो रिसर्च के काम करते हुए कभी कभी आप किसी और से फॉर्मेट ले लेते हैं, तो उन पर बहुत सारे फॉर्मेट्स अप्लाइड होते हैं, यानी कि उन पर बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ अप्लाइड होती हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। तो अब यहाँ पर ये जो वाला जो ऑप्शन है, ये शो एंड हाइड का ऑप्शन, ये बहुत ही कमाल का एक ऑप्शन है। इसमें आप वो सारे के सारे फॉर्मेट्स देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब मैं ये असल में इसमें कुछ फॉर्मेट्स अप्लाइड हैं ऑलरेडी, लेकिन मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है या फिर अलाइनमेंट की वजह से ये खुद ब खुद ऐसा हो गया है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा, तो इससे आगे मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा और पेज भी आगे नहीं जा रहा, तो क्यों नहीं जा रहा? तो इन ऑप्शंस को जाहिर करने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पर इंटर हुआ होगा वहाँ पर यह वाला ऑप्शन आ जाएगा, और कहीं पर स्पेस होगा तो डॉट्स आएंगे, और अगर कहीं पर पेज ब्रेक इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा वाज़े अल्फाज में कि यहाँ पर पेज ब्रेक इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर इसको अगर रिमूव करना चाहें तो आप इस पेज ब्रेक को रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज ये यहाँ पर पेज ब्रेक रहेगा और पेज ब्रेक को वैसे आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर आप इसको यूज़ करके सारे के सारे फॉर्मेट्स देख सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अगर इस लेक्चर से मुतालिक कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।